मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सेल्फी के जुनून के चलते मौत से सामना हो गया। सिरवेल में महाराष्ट्र से दर्शन करने पहुंचा युवक झरने को सेल्फी में कैद करने के चक्कर में गहरे कुंड में जा गिरा। इस दौरान वहां ऊपर मौजूद लोगों ने रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर युवक की जान बचाई। मोबाइल पर सेल्फी के चक्कर में अक्सर लोग अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की वादियों में बसे सिरवेल महादेव में कुंदा नदी के उद्गम स्थल से निकलने वाले झरने को देखने सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, फोटोग्राफी के साथ सेल्फी भी लेते हैं। महाराष्ट्र से आए एक युवक का सेल्फी लेने के चक्कर में चट्टान से फिसलकर सीधे झरने में जा गिरा, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद प्रत्यक्ष दर्शियों के साथ भाजपा के मीडिया प्रभारी प्रकाश भावसार भी मौजूद थे। उनकी और मौजूद लोगों की सूझबूझ से तत्काल रस्सा बुलवाकर युवक को ऊपर खींचा गया। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। किसे क्या गिर गया? देखिए, ये खरगोन जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर कुंदा नदी का उद्गम स्थल जो मार्कंडे ऋषि की तपोभूमि भी है और सिरवेल महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर अभी सैलानियों की बड़ी संख्या में आमद हो रही है। और गत दिवस वहाँ पर सिरवेल महादेव में महाराष्ट्र से आया एक श्रद्धालु सेल्फी लेते समय अचानक गहरे कुंड में गिर गया और करीब 60 फीट गहरा कुंड है। बताया जाता है कि इसका था नहीं है और यहाँ पर जब भी कोई घटना होती है तो कोई बचकर नहीं निकला है। ऐसे समय में हम वहाँ पर मौजूद थे और हमने तत्काल उस युवक को बचाने का प्रयास किया और पास में ही एक रस्सी लेकर आया और उसकी मदद से उसको हमने खींचकर बाहर निकाला, इस प्रकार उसकी जान बचाई जा सकी। क्या नाम लिखते हैं? प्रकाश भावसार, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।